अलैकुम। एक अनु एक और चीज़ मार्केट में नहीं आ रही, तो फिर हमने कहा हम भी क्यों पीछे हटें, हम भी जवाब दे दें। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। वैसे तो मैं इंडिया की काफ़ी चीज़ों में ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इंडिया के फेवर में। यार उन्होंने कोशिश की, ट्राई की, नाकाम हो गए। ट्राई तो की, हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? सिर्फ तफरी, मजाक, चुगतबाजी, वीडियोज़ बना रहे हैं, उन पर फनी कर रहे हैं। अरे करा तो उन्होंने भाई, ये सोचो आज फेल हो गए कल कामयाब हो जाएंगे, हम कहाँ हैं सिर्फ जोक्स बनाने में। उनको जवाब देना है तो उनके लेवल पे आकर उनको जवाब दे दो। चांद पे नहीं पहुँच सकते, किसी और चीज़ में आगे उनको कम्पीट करके बीट करके उनको जवाब दे दो। ये क्या छिछोरपन है कि वो उनका रॉकेट वहाँ तक नहीं पहुँच सका और हम यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर जुकते मार रहे हैं, उनके ऊपर जोक बना रहे हैं। अबे भाई, आगे अगर आपने किसी को जवाब देना होता है ना, तो पावर दिखानी होती है, तो आप उसको कम्पीट करते हो, ना कि उसकी टांग खींचते हो। एक तूफान बदतमीजी मचा पड़ा है कि जी उन्होंने किया, वो नहीं पहुंच पाया, वो खुश हो गया, वो पंचर हो गया, फिर जोक बन गया, फिर फलाना हो गया, धमाका हो गया। कॉमन सेंस तो यूज़ करो यार। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने सोचा, उन्होंने अटेम्प्ट ले ली। सोचो कल ये पहुंच जाएगा, फिर किस पे जोक बनाओगे? अरे पाकिस्तानी भाइयों जागो, ये वाला जो ट्रेंड फॉलो कर लिया है ना हम लोगों ने, खुद तो कुछ करना नहीं है, सामने वाला कहीं मिस्टेक कर देगा तो उसकी टांग खींच लेंगे। अरे टांगे खींचते रहोगे, वो और मोटिवेट होता रहेगा और अगले दिन पहुंच जाएगा, और हम और आप यहाँ बैठ के सिर्फ जुकते मारते रहेंगे, कॉमेडी करते रहेंगे, फन करते रहेंगे। तो बताने का मकसद ये यार कि जो हालत हमारी गवर्नमेंट की हो गई है, वही हालत हमारी भी होती जा रही है। करना कुछ नहीं है, दूसरे की टांग खींचनी है। तो भाई उनको तो गालियाँ देते हो, थोड़ा सा आईने में देखो, हम भी वही कर रहे हैं।